हेलो एवरीवन, मैं हूं आई ट्रैप शूटर और आप देख रहे हैं टेक्निक जिला यूट्यूब चैनल। कुछ दिनों पहले मैंने i10 नियोस मैग्ना वेरिएंट का एनालिसिस करके फुल एक कंप्लीट ओनर रिव्यू दिया था, जो बिल्कुल ट्रस्टेड था और किसी प्रमोशन से लेना देना नहीं रखता था। उसी के साथ मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि हमें अपनी गाड़ी के चारों स्पीकर से बराबर सॉन्ग का आउटपुट कैसे लेना है, तो वो वीडियो सिर्फ और सिर्फ मैग्ना वेरिएंट पर ही अप्लाई होती है। जहाँ स्पोर्ट्स और एस्टा वेरिएंट की बात आती है तो उस एक टच स्क्रीन स्टीरियो सिस्टम मिलता है। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं हेरिटेक, हमने उनसे बात की और मैंने उनको वीडियो कॉलिंग के लिए मनाया, लेकिन वीडियो कॉलिंग होने से पहले ही उन्होंने पूरा स्टीरियो सिस्टम को एनालिसिस कर लिया और फाइनली वो सेटिंग्स ढूंढ निकाली जहाँ से आपको एस्टा और स्पोर्ट्स वेरिएंट में बराबर आवाज़ स्पीकर से आएगी। तो चलिए अब हम चलते हैं उनकी कार के अंदर और उन्होंने कैसे बताया ये देख। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे इसके रियर स्पीकर में आवाज़ बढ़ानी है ग्रैंड i10 नियोस स्पोर्ट्स मॉडल के। तो आपने पहले ऑल मेन्यू में जाना है, फिर जाना है सेटिंग्स में, सेटिंग्स में साउंड सेटिंग्स, फिर आपने पोजीशन में जाना है, आपके ऐसे होंगी, और आपने इक्वलाइजर फुल अगर किया है तो सारी लेस कर देने हैं। ये देखो सारे माइनस में हैं। आपने अब ऐसा करना है, पोजीशन पे जाना है, कोई सॉन्ग ऑन करना है, तो अब आपने ट्वेंटी पे वॉल्यूम करनी है। इस पोजीशन पर सेट करके इक्वलाइजर्स पे जाना है। अब देखो अब आपके सारे उस चारों स्पीकर में से प्रॉपर आवाज आ रही है, और अगर आपने फिर वो सेंटर में कर दोगे वॉल्यूम को कम करके सेंटर में कर दो, आगे वाले चल जाएंगे, आपका हमेशा सेंटर में होगा, आपने थोड़ा पीछे जाना है। और ये वाला उसके लिए है जिनके पास ग्रैंड i10 नियोस 2020 मॉडल है या उसके बाद वाला मॉडल उसमें है, क्योंकि उसमें कंपनी ने वो साउंड मोड नहीं दिया हुआ। अगर आपका वो दिया तो आप अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो। आपने फिर पोजीशन पे जाके इस पोजीशन पे करना है या और थोड़ा पीछे वॉल इक्वलाइजर्स पे जाके सारे फुल कर देने हैं और साउंड वॉल्यूम 20 पे, साउंड वॉल्यूम 20 पे करके आपने करने हैं। ये देखना अब पीछे वालों से आपके प्रॉपर आवाज आएगी। अगर आप इसे साउंड पर जाके पोजीशन आपकी थोड़ी बेस कम हो जाएगी और कुछ नहीं, अगर आप सेंटर में करोगे तो सिर्फ आगे वाले चलेंगे। अब देखो मैंने इसको थोड़ा पीछे करा, आवाज़ कम हो जाएगी पर चारों चल जाएंगे और अपना आवाज़ आपको फिर थोड़ी ज़्यादा रखनी पड़ेगी। थैंक यू ये देखने के लिए। अब आपकी पूरी सेटिंग अप्लाई हो चुकी है, अब आप गाना सुनेंगे। हो सकता है आपका बेस कम हो जाए या कुछ भी इक्वलाइजेशन में कुछ भी साउंड ऊपर नीचे हो, तो आप अपना इक्वलाइजेशन वाले ऑप्शन में जाके बढ़ा लेना अपने हिसाब से, मैक्स कर लेना, कम कर लेना, नॉर्मल कर लेना, अपने हिसाब से कर लेना। ये सब करने के बाद आपके चारों दरवाजों के स्पीकर से बराबर आवाज़ आएगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे 1000 सब्सक्राइबर कम्प्लीट करवाइए। थैंक यू।